सिनेमा हॉल बनाने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड अब सब्सिडी देगा। सिनेमा हॉल बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से मिलेंगे 75 लाख रुपए। सिंगल स्क्रीन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन। साथ ही साथ फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हुई है इस पूरी चीज की पहल। तो देखिए, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब सिनेमा के लिए भी, सिनेमा के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। सिनेमा हॉल बनाने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड सब्सिडी देगा और सिनेमा हॉल बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से 75 लाख रुपए प्रदान किए जाने हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन। साथ ही साथ फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए ये जो पहल की जा रही है, इस पर पूरी जानकारी क्या है? देखिए अंजलि, याद होगा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई में थे और मुंबई में कई निवेशकों से चर्चा कर चुके हैं और सभी विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। मध्य प्रदेश में पहले से ही जो फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला चलता आ रहा है, सरकार उसमें कई प्रावधान कर चुकी है, उनको सब्सिडी देना और कई तरीके से सुविधा उपलब्ध कराना, और ये ठीक उसी तरीके से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सिनेमा हॉल और मध्य प्रदेश में सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, करीब 75 लाख रुपए तक सब्सिडी सरकार देगी। यानी कि अगर लागत 1 करोड़ भी होती है तो सरकार उसमें करीब 15% की सब्सिडी देगी। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो फिल्मों की शूटिंग है उसका दायरा लगातार बढ़ा है और मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से ये कोशिश रही है कि फिल्म सिटी बनाया जाए, लेकिन इससे पहले सरकार ने जो टूरिज्म बोर्ड है उसने ये फैसला किया है कि करीब 15% सब्सिडी सिनेमा हॉल के बनाने के लिए सरकार की तरफ से दी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड ने सरकार को ये प्रस्ताव दिया, सरकार ने इस प्रस्ताव पे मुहर भी लगा दी। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पे सिनेमा हॉल और मल्टी स्क्रीन के लिए सरकार ने पहले भी कई प्रावधान किए हैं, लेकिन इसमें संशोधन बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि ये निवेशकों को भी प्रोत्साहित करेगी यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, साथ ही साथ फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक अनोखी पहल कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।